समीर फंसे साहब ने काम बरोबर नहीं किया है। समीर फंसे इसका उनमोत का जिम्मेदार है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। हमें परसों प्रोटेस्ट करना है। एक जान चली जाती है तो पूरा फैमिली को प्रॉब्लम हो जाता है। 1,80,00,000 रुपए थाने महानगर पालिका को एवं आरडीए ने ट्रांसफर दिया है, लेकिन इतने दिन 1.5-2 साल हो गए बाईपास को रुके, अभी तक आपको पता नहीं चला कि किसका काम था। समीर भाई, जो अधिकारी आए हैं वो कैमरे के सामने क्यों नहीं आ रहे बोलने के? मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा बाईपास की सुरक्षा दीवार बनाने को लेकर एक बार फिर शमीम खान ने चेतावनी दी है कि अगर कल तक काम शुरू नहीं हुआ तो रास्ता रोको आंदोलन किया जाएगा। साथ ही शमीम खान ने मुमरा पुलिस से कॉन्ट्रैक्टर पर भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। मुमरा पुलिस स्टेशन में शमीम खान, मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI अनिल शिंदे, MMRDA के अधिकारी प्रशांत वाकुड़कर और मनपा अधिकारी बालू पीचड़ और दीपक माने, इनके बीच में मीटिंग हुई कि आंदोलन को पीछे ले लिया जाए, लेकिन शमीम खान ने साफ तौर पर कहा है कि आंदोलन होगा और काम भी कल से ही शुरू करना पड़ेगा। आपको बता दें कि मुमरा बाईपास रशीद कंपाउंड के नज़दीक हादसे को लेकर जो हादसा हुआ था वहाँ पर, उस हादसे को लेकर शमीम खान काफ़ी आक्रामक है। वहीं जब मनपा अधिकारी दीवा प्रभाग समिति के दीपक माने इनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि आखिर काम किसका है, मनपा का या MMRDA का, तो जवाब मिलता है बाद में बताएंगे। अब बताइए कि सालों से बने बाईपास पर सुरक्षा का कोई इंतज़ाम नहीं है, इसका जवाब कौन देगा? वहीं शमीम खान का साफ तौर पर कहना है कि 18 जुलाई को आंदोलन होगा। शमीम खान और मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI अनिल शिंदे और मनपा अधिकारी बालू पीचड़ और दीपक माने ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। जो ऐलान किया बाईपास के विरुद्ध आंदोलन का, क्या कहना, उससे क्या मीटिंग हुई आप लोगों की? आज की मीटिंग में मैं सबसे पहले हमारे मुमरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अनिल शिंदे साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जब कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप तमाम पत्रकार भाइयों के जरिए ये बातें वायरल हुई कि 18 तारीख को हम लोग मुमरा बाईपास बंद करेंगे और वहां से कोई भी यातायात आएगी जाएगी नहीं, जब तक कि वो जो रशीद कंपाउंड के टर्निंग पे वहां पे कोई सुरक्षा दीवार ब्रेकेटिंग वाल नहीं बन जाती। उस चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेते हुए सीनियर साहब ने आज मुमरा पुलिस स्टेशन में मीटिंग अरेंज किया और उसमें MMRDA से बांड्रा से भी ऑफिसर आए हुए हैं। उनका नाम सर? वाकुड़कर साहब आए हुए हैं और हमारे युवा प्रभाग समिति के माने साहब हैं, साहब मौजूद हैं और हमारे AMC मुमरा के बालू पिंजर साहब मौजूद हैं। आज हमारे डिस्कशन में हम लोगों ने अभी तमाम हमारे साथियों ने मिलकर के सर को लेटर भी दिया कि हमारा परसों का ये प्रोटेस्ट है, इस तरीके का आंदोलन है। उसके साथ साथ में हमारे डिस्कशन में अभी जो बातें आई है उसमें मैं ये उम्मीद करता हूँ, हमारा डेलीगेशन ये उम्मीद करता है कि कल सुबह से वहाँ पे कुछ न कुछ, यानी जिस तरीके से बताया गया है कि अभी फ़िलहाल टेम्परेरी हम लोग वहाँ पे ब्रेकेटिंग वाल का काम कल से चालू कर देते हैं। मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी MMRDA को देता हूँ। उन्होंने तो बहुत सारी कहानी सुनाई अभी कि वो 1,80,00,000 रुपए थाने महानगर पालिका को लेटर पर, रखी भाई रही मुल्ला 1,80,00,000 रुपए थाने महानगर पालिका को MMRDA ने ट्रांसफ़र दिया है, लेकिन अभी माने साहब बता रहे थे और बताएंगे भी आपके सामने, देखिए ये लेटर दिखाया उन्होंने, इसमें ये लिखा हुआ है, ज़रूर लिखा हुआ है, ट्रांसफ़र दिया है उन्होंने, लेकिन वो 1,80,00,000 रुपए माने साहब वो फ्लाईओवर जहाँ ख़त्म होता है वाई जंक्शन से उधर का दिया है, इधर का नहीं दिया। तो ये जो काम है, ये काम SMC कंपनी के जो समीर फंसे साहब हैं, समीर फंसे साहब उसके कॉन्ट्रेक्टर थे, समीर फंसे साहब ने काम बरोबर नहीं किया है। मैं सीनियर साहब से ये मांग करता हूँ कि समीर फंसे साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि समीर फंसे इसका उनमोत का जिम्मेदार है। वो गाड़ी का ड्राइवर, वो लॉरी का ड्राइवर, ठीक है उससे तो दुर्घटना हो गई, लेकिन सर हम आपसे मांग करते हैं कि ऐसे कॉन्ट्रेक्टर के ऊपर जो समीर फंसे नाम का कॉन्ट्रेक्टर है,
सीनियर साहब उसके नाम पे हम आपसे मांग करते हैं, हम आपको खत भी दे रहे हैं अभी कि उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, उसके ऊपर FIR दर्ज किया जाए, क्योंकि वो फेलियर कॉन्ट्रेक्टर है, उसी ने उनकी मौत का जिम्मेदार अगर कोई है तो समीर फंसे है। अब हमें लगता है कि हमारे शहर को इंसाफ दिलाने के लिए, उस रशीद कंपाउंड के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए हमें परसों प्रोटेस्ट करना है। मैं अगर कल काम नहीं चालू होगा तो परसों सुबह के टाइम 12 बजे हम लोग बाईपास के ऊपर वहां पे बेमुद्दत बैठेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, रास्ता बंद करेंगे। अगर उसका कुछ भी प्रॉब्लम होता है, उसका नुकसान होता है, यातायात को दिक्कत होती है तो उसकी जिम्मेदार, एम्बुलेंस को जाने में दिक्कत होती है हॉस्पिटल तो उसकी जिम्मेदार अगर कोई होगा तो MMRDO होगी और समीर फंसे होगा। भाई जो अधिकारी आए हैं वो कैमरे के सामने क्यों नहीं आ रहे बोलने के लिए? मैं तो अभी खुद उनसे वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बोलते हमारा प्रोटोकॉल नहीं है, वो लेटर लेने को तैयार नहीं थे, लेकिन ठीक है इस्लामुद्दीन भाई आए हो, आकर के सीनियर साहब की बातों से उन्होंने हमारी बातों को सुना, उन्होंने उस पर कहा है कि मैं कल सुबह के टाइम कोशिश करूंगा कि वो काम चालू हो जाए। सर शमीम भाई ने मांगनी की है कि जो कॉन्ट्रेक्टर है उसके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए, क्योंकि लापरवाही जो है उसकी। तो जब हादसा हुआ था उस वक्त भी आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया था, ड्राइवर के ऊपर FIR हुई थी, कॉन्ट्रेक्टर पर क्यों नहीं हुई, क्या वजह रही है उसका? तपस चालू है इसका। सर कब तक मुकदमा दायर होगा जो कॉन्ट्रेक्टर है उसका? तपस में यानी उसका रोल आ जाएगा, हो जाएगा सर। उसके लापरवाही कारण ही जान गई है ना, तो उसका रोल कहीं ना कहीं तो आ ही रहा है उसमें, देखेंगे ना। ठीक। सर अभी इन्होंने जो रोड बंद, बाईपास बंद करने का जो ऐलान किया है उससे पुलिस की क्या कार्रवाई है? नहीं, पुलिस तो ये सोचती कि ऐसे हादसे होने नहीं चाहिए, उसके लिए ये मीटिंग मैंने यानी सुमोटिव की है हमारे सीनियर जो ऑफिसर सर, पुलिस आयुक्त डुबरे सर, SCP सर, एडिशनल CP सर, जॉइंट CP सर, इन्होंने मेरे को बोला था, तो मैंने उस हिसाब से सब ऑफिसरों को कांटेक्ट करके शमीम भाई से कल मैंने खुद होके बात की। जब मैंने वो सोशल मीडिया पे देखा तो भाई से बात किया, तो भाई ने बोला कि समझो सब ऑफिसरों की मीटिंग हो जाए और उसमें कुछ रास्ता निकलता होगा तो अपन ये कैंसिल करके, उस हिसाब से आज की मीटिंग ली है। अभी सब मैं मेरे सीनियर ऑफिसर से बात करूँगा, अपने टीचर साहब उनके सीनियर ऑफिसरों से बात करेंगे, जो MMRDA के जो वाकोड़कर साहब आए वो उनसे सीनियर ऑफिसर से बात करेंगे और जल्दी से जल्दी वो काम शुरू होना चाहिए, ऐसी हमारी सबकी इच्छा है, क्योंकि एक जान चली जाती है तो पूरे फैमिली को प्रॉब्लम हो जाता है, तो दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए अपन सब मिल के एक साथ काम करके जल्दी से जल्दी वो प्रॉब्लम सॉल्व करें। सब क्या बताएं, अभी जो पिक्चर्स अभी जो सिंधे साहब ने जो बोला है उसके ऊपर हम लोग सोचेंगे, आज सिंधर साहब से हमारे भी बात करेंगे और आपको जब ये क्या PWD का काम रुका या महानगर पालिका का? वो सब आपको बात करेंगे। इतने दिन 1.5-2 साल हो गए बाईपास को रुके, अभी तक आपको पता नहीं चला कि किसका काम था वो? सर PWD बोलती है महानगर पालिका काम है, महानगर पालिका बोलती है PWD के बारे में, मैं आपको बात करूँ, ठीक है? मेरे पिचर साहब AMC साहब मुमरा के पिचर साहब, आज मीटिंग ली गई मुमरा पुलिस स्टेशन में, क्या बताना चाहोगे जो 18 तारीख को शमीम भाई की तरफ से आंदोलन है? आज यहाँ पे शमीम भाई जो आंदोलन करने वाले 18 तारीख को, वहाँ उसकी वजह से यहाँ पे सीनियर साहब ने, शिंदे साहब ने मीटिंग बुलवाया था, वो मीटिंग में अपने MMRDA के वाकोड़कर साहब भी शामिल थे, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर माने साहब रहे, उनसे जानकारी ली गई है और जो MMRDA से काम होना जरूरी है ऐसा मीटिंग में मालूम पड़ा है, तो जल्द से जल्द वो काम चालू शुरू होएगा, वो हम लोग हमारे सीनियर से बात करके वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आगे ऐसा हादसा होना नहीं चाहिए, उसके लिए अपन एक काम करें।